हमारे भी है मोर, इसमें कंप्लीट पंप लगा के देंगे, पंप नजर नहीं आएगा, पानी चलता रहेगा अलग अलग। ये तुलसी स्टैंड बनाया हुआ है, देखो कितना खूबसूरत है, मार्बल पत्थर चीज है, कभी भी पीला पड़ना काला पड़ना ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। कलर इतना सुंदर किया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर कटिंग करके पत्थर ही डाल के डिजाइन बनाई हुई है, ये नेचुरल डिजाइन दी हुई है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत वैरायटी है यहाँ पे मंदिर की। हाथी बना हुआ, एलिफेंट है, इसका जोड़ा हम रख सकते हैं, जो हमारे शुभ, जो हमारे जो साइन होते हैं वो हम अपने हॉल में रख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं नीलम जोशी एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। जय माता दी, सबसे पहले मैं आपको करूँगी आज मैं आपको मंदिर के डिफरेंट आपको मंदिर दिखाने वाली हूँ, तो वो भी मार्बल्स में बने हुए मंदिर, जो लकड़ी के तो आपने बहुत बार देखे होंगे, लोहे के आपने मंदिर बहुत बार देखे होंगे, लेकिन पत्थर के मंदिर, मार्बल्स के इतने सुंदर सुंदर मंदिर। और ये जो आपको टेबल्स दिखा रही हूँ, ये रोटेट हो रहे हैं, टेबल्स बार बार रोटेट हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इसमें कंप्लीट पंप लगा के देंगे, पंप नजर नहीं आएगा, पानी चलता रहेगा अलग अलग डिजाइन में। तो फ्रेंड्स, ये झरने हैं, झरनों में इसमें पानी निकलेगा, अभी पूरा सेट बना के देंगे, जैसे कोई इसको लेके जाएगा, जैसे बुकिंग होती है, तो ये पूरा तैयार करके देंगे सेट के साथ, पंप लगा के चालू करके देंगे, पूरा कंप्लीट चालू करके देंगे। तो ये झरने बनाए हुए हैं, देखो अभी इसको डेकोरेट करना बाकी है, जैसे बुकिंग हो जाती है तो ये साथ के साथ ये पूरा तैयार कर देते हैं। ये तुलसी स्टैंड हो गए, ये तुलसी स्टैंड बनाया हुआ है, देखो कितना खूबसूरत है, मार्बल पत्थर में, मार्बल में तुलसी स्टैंड बनाया हुआ है, दिया स्टैंड बनाया हुआ है। देखिए आप तुलसी ये स्टैंड देखिए, पहले एक नहीं अनेक है यहाँ पे। बीच में ये मंदिर वगैरह दे दिया, दीपक वगैरह लगाने के लिए इसमें नृत्य करके तुलसी लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ दीपक लगा सकते हैं, ज्योत जला सकते हैं, और यहाँ पे हम जो है गमले में अपना तुलसी को यहाँ पे विस्थापित कर सकते हैं, और अपना बहुत अच्छा रहेगा, आंगन में हम इसको लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं। नंबर वन क्वालिटी, ये एक्सपर्ट क्वालिटी है, और नंबर वन मार्बल में है, ये देखो आगरी वाइट में बढ़िया चीज़ है, कभी भी पीला पड़ना काला पड़ना ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, ऐसा ऐसा ही वाइट ही रहना। तो मतलब यहाँ ये जो पत्थर है वो कभी पीला नहीं पड़ेगा, फुल कैल्शियम है इसमें, पड़ेगा बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही वाइट ही रहेगा, मतलब हाँ। जिस साइज में आप लोगे उस साइज में मिल जाएगा। ओके, जिस साइज में आप लेना चाहें वो उसी साइज में आप ले सकते हैं, यहाँ से लेके आप देखेंगे वहाँ तक आपको सारा ये मंदिर मिलने वाले हैं, वो भी मार्बल्स में बने हुए मंदिर। वैरायटी देखो, अलग अलग वैरायटी, ये देखिए कितना सुंदर बनाया हुआ है मंदिर, भगवान जी का कितना सुंदर बनाया हुआ है, कलर इतना सुंदर किया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे। जो कलर की नहीं है, ये प्रॉपर कटिंग करके पत्थर ही डाल के डिजाइन बनाई हुई है, ये नेचुरल डिजाइन दी हुई है, ये नेचुरल डिजाइन है, पत्थर काट के, पत्थर काट के इसको तराशा गया है, और पत्थर ही फिट किया हुआ है, ये अलग अलग। अच्छा, ये देखिए आप, पत्थर काट के पत्थर फिट किया हुआ है, इसको पूरा पत्थर को काट के ये डिजाइन बनाया गया है, जो भी कलाकारी की है पत्थर को काट के की गई है। आगे हर साइज में मिल जाएगा, 3 फीट से लेके 8 फीट 10 फीट तक आपको मिल जाएगा। फुहारे आपको 3 से लेके 8 10 फीट तक के फुहारे मिलने वाले हैं, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फुहारे हैं, छोटे बड़े सब फुहारे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मंदिर भी मंदिर मिलने वाले हैं आपको।
आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत वैरायटी है यहाँ पे मंदिर की, छोटे मंदिर बड़े मंदिर, जिसके छोटी स्पेस होती है वो छोटे मंदिर ले सकते हैं, बड़े स्पेस के लिए बड़े मंदिर ले सकते हैं आप। नंबर वन क्वालिटी मार्बल्स की, प्योर काम हो रखा है, किराना का वाइट संगमरमर का काम हुआ हुआ है मंदिर में, ये देखिए आप कितनी बड़ी बात है ये। आपको मैंने छोटे बड़े सब मंदिर मैंने दिखाए हैं, जो फ्रेंड्स जो आपको वाइट संगमरमर में काम किया हुआ बनाया हुआ है और कितना सुंदर इसको तराशा गया है, छोटे बड़े मंदिर दोनों अवेलेबल हैं। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक बहुत ही ख़ास चीज़ जो हमारे मंदिरों में यूज़ होती हैं, भगवान की प्रतिमाएँ। हमारे घरों में जो मंदिर होते हैं उसमें मूर्तियाँ रखते हैं तो हम उसको बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे आके देखें तो हम ऐसे लगेगा जैसे हम ओरिजिनल भगवान को अपने साथ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आपको इतना कुछ मिलने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते, छोटी से बड़ी मूर्ति भी आपको यहाँ पे बहुत ही खास तरीके से बनाया हुआ है। देखिए आप कितना सुंदर इस पर काम किया हुआ है, और इसके बाद इस पर ये कलर किया जाता है, इसके बाद इस पर कलर किया जाता है, छोटे बड़े आप इसको गिफ्ट में भी दे सकते हैं, बड़े मंदिर के साथ में गिफ्ट है, लॉन में भी रख सकते हैं, बालकनी में भी रख सकते हैं, इवन आप किचन में भी रख सकते हैं। शिवलिंग बनाए हुए हैं, सारा काम यहाँ पे मैनुअल होता है, नंदी है, हर आइटम मिलेगा आपको मूर्ति। ये जो गणेश है इसको हम अपने हॉल में रख सकते हैं, ये देखिए ये जो हाथी बना हुआ एलिफेंट है इसका जोड़ा हम रख सकते हैं, जो हमारे शुभ जो हमारे जो साइन होते हैं वो हम अपने हॉल में रख सकते हैं। ये देखिए ये कितनी सुंदर प्रतिमा है, ये खुद हाथों से बनाई हुई है, नव दुर्गा मार्बल्स के जो यहाँ पे एक्सपर्ट कलाकार हैं उनके हाथों से बनाया गया है इसको। शिवलिंग, छोटे शिवलिंग बड़े शिवलिंग हर हाइट के आपको शिवलिंग मिल जाएंगे, ये देखिए बड़े शिवलिंग भी हैं, जैसे कलर आप चाहते हैं वैसे ले सकते हैं, आप घर को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं सिर्फ नव दुर्गा मार्बल। कई शोरूम के अंदर आप जब आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉर्ड्स, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आप सोचते होंगे कि हम क्या डिज़ाइन देंगे घर का, हम मेन द्वार पे अपना नेम प्लेट रखें, लेकिन आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो एबीएस नेम प्लेट नेम प्लेट्स को आप बहुत अच्छा डेकोरेट कर सकते हैं, छोटी बड़ी नेम प्लेट जैसे भी हो आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखो ये बाथरूम के सेट है, ये ब्रश वगैरह रखने का, ये साबुन वगैरह रखने का, हर चीज है, ये गमले टेबल सजाने के लिए फूल पत्तियां वो रहे अलग अलग, देखो ये रहे, ये देखिए ये पेन स्टैंड, ये झूला, ये देखिए पेन स्टैंड है, ये आप इसको ये पत्थर का बनाया हुआ है, वाइट संगमरमर का काम है, हैंडमेड है, सबसे बड़ी बात है इसमें पेन रख सकते हैं, बच्चों की स्टेशनरी रख सकते हैं। और मैं आपको एक क्या खास दिखाने वाली हूँ, आपने मार्केट में देखे होंगे इस पर आप कैंडल रख सकते हैं, कैंडल इस पर रख सकते हैं, ये देखिए आप कितना सुंदर लगने वाला है जब कैंडल आप इसके अंदर जलेगी, उसकी जो रोशनी निकलेगी, वो कितना सुंदर लगेगा। और आपने मार्केट में वॉश मशीन देखे होंगे हैंड वॉश करने के लिए, पत्थर का आपने कभी देखा है ऐसे, आपने कभी नहीं देखा, ये सोप स्टैंड है पत्थर का बना हुआ है, ये देखिए, और ये देखिए इसमें टैप भी लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए ब्रश रखने के लिए, कोलगेट रखने के लिए, सब चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, आप देखिए कितना कुछ है यहाँ पे, ये देखिए इसको टांग भी सकते हैं, ये देखिए इसमें लाइट भी जलती है, ये लैंप देखिए आप, ये संगमरमर का काम हो रखा है, इस पर लाइट भी लगा सकते हैं आप, ये लैंप लगी हुई है, लाइट लगी हुई है लैंप का, जैसे स्विच लगाएंगे तो ये आपको अंदर से झूला बना हुआ है पत्थर का, ये देखो इनका ठाकुर जी का झूला भी अवेलेबल है, और क्या
देखो ये कॉर्नर हो गया बाथरूम के, ये चकले वगैरह रोटी बनाने वाले चकले भी मिलेंगे। ये सजाने के लिए इसमें लाइट जलती है, रोशनी के लिए लैंप इसमें है ना, ऐसा कुछ नहीं। ये देखो ये गड़गड़ नहीं करेगा कोई, ये पूरा प्रॉपर पत्थर से ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा कुछ चिपका के ऐसे करा, ये प्रॉपर लेथ मशीन से हो रहा है। हर वैरायटी में मिल जाएगी, मंदिर वगैरह पत्थर में जो भी आइटम चाहिए, जिस प्रकार की भी मूर्ति चाहिए वो सब मिल जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लकड़ी का जो होता है लकड़ी के ड्रॉर्स खोलते हैं, ऐसे ही करते हैं नॉर्मली, लेकिन ये आपको मार्बल का मंदिर दिख रहा है। और मार्बल के मंदिर में आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे आपको देखने को लग रहा होगा, आप इसको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज मैं आपको नव दुर्गा मार्बल टाइल्स के शोरूम में लेकर आई हूँ, जो जीरकपुर अम्बाला हाईवे में पड़ता है। बहुत ही अच्छे इनके प्राइजेज हैं और अच्छे अच्छे डिज़ाइन हैं। छोटे बड़े मंदिर आप जैसे भी आपके घर के स्पेस हो वैसे ले सकते हैं। और इनके जो जो डिज़ाइन देखेंगे वो और डिज़ाइन से काफ़ी अलग हैं, यूनिक पीसीज हैं। ज़्यादातर काम मार्बल्स में हो रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही, तब तक नीलम जोशी को इजाज़त दीजिए। थैंक यू। Thank you.